हाय फ्रेंड्स, मैं आनंद मीना स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुकून के पल वीडियोस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी एक समराइज सीरीज चल रही है रिच डेड पुअर डेड की, जिसके अंतर्गत हम 3 लेसन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेसन हमने पढ़ा था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। सेकेंड हमने देखा था कि आर्थिक साक्षरता क्यों से कहा है, क्या होता है, नौकरी तो आप कर रहे हो, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं भरपूर, पर आपको पैसा कहाँ लगाना है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, जिससे आपका आपकी प्रेजेंसी ना हो फिर भी आपको वो पैसा एक अमाउंट आपके पास आता रहे कंटिन्यू। ये हमने आर्थिक साक्षरता में देखा था। थर्ड में हमने देखा था कि अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। क्या होता है, आप नौकरी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो, आप दूसरी कंपनी ग्रो कर रहे हो, पर आप कहीं ना कहीं खुद की एक छोटा सा काम स्टार्ट करें, आप खुद के लिए कुछ कंपनी या मतलब कुछ थोड़ा सा भी काम जो आपका इंटरेस्ट है वो स्टार्ट करें और खुद के काम को एक आप आगे ले जाओ। आप कंपनी को तो आगे बढ़ा दोगे, आप खुद के काम को भी आगे ले जाओ, जिससे आपका फ्यूचर सेफ रहे, जिससे आपकी लाइफ स्टेबल रहे। और आज फोर्थ लेसन जो है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। रिच डैड ने ये वाला जो चैप्टर है टैक्स और कॉरपोरेशन की शक्ति, ये बहुत बड़ा एक स्तंभ, एक पोल बताया है। अमीर लोग जो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग जो गरीब होते जा रहे हैं। आपको टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉरपोरेशन की जो पावर होती है वो पता होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कॉरपोरेशन होता क्या है, और अमीर लोग उस कॉरपोरेशन का यूज़ करके उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। कॉरपोरेशन शब्द जैसे आप बहुत से लोग होते हैं जो सुनते से ही कॉरपोरेशन सुनते हैं, लगता है कि यार कोई कंपनी होती होगी जहाँ पर 20-25 लोग 50 लोग काम करते होंगे, प्रमोशन बढ़ता होगा, वो कॉरपोरेशन हो गया। जैसे म्यूनसिपलिटी ऑफिस होता है ना, ऐसा कुछ कॉरपोरेशन होता होगा। पर कॉरपोरेशन तो एक कानून है, एक मतलब जो अमीर लोग जिसका फ़ायदा उठाकर पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। कॉरपोरेशन को इसमें क्या होता है कि आप जैसे अमीर लोग जो ज़मीन रहती है, ज़मीन बेचकर और यदि तुरंत ज़मीन खरीद लेते हैं तो उस पर टैक्स कम लगता है। ऐसा एक कॉरपोरेशन जो एक दस्तावेज होता है, एक जो रूल्स होता है, वो कॉरपोरेशन होता है, जिसका नॉलेज हम मध्यम वर्गीय गरीब वर्गीय लोगों के पास होता ही नहीं है। दोस्तों, हम इस चैप्टर के नाम से जैसे टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति, तो हम टैक्स के इतिहास से स्टार्ट करते हैं कि टैक्स लगना स्टार्ट कब हुआ या आया कहाँ से। तो टैक्स का इतिहास दोस्तों अचानक तो स्टार्ट हो नहीं गया कि जनता पे लाओ टैक्स दो, क्या है लाओ पैसे लाओ लाओ ये लाओ। तो ये टैक्स का इतिहास जो टैक्स लगाने में जो सबसे बड़ी जो रोल था वो था मध्यम वर्गीय और गरीब वर्गीय लोगों का। इन्होंने आंदोलन करे, इन्होंने मतलब बोला कि अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो उनसे पैसे लेकर उनसे पैसे लिए जाए, थोड़े अमाउंट में जो भी वो मुनाफा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे पैसा लिया जाए और गरीबों को दिया जाए। आपने वो कहानी सुनी होगी रॉबिन हुड वाली, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था, जो गरीबों का मसीहा कहलाता था, सुनी होगी आपसे आपने आप में से बहुत से लोगों ने। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मध्यम वर्गीय गरीब वर्गीय तबके के जो लोग थे, उन्होंने ये मतलब आंदोलन, ये सरकार के लिए आवाज़ उठाई कि आप टैक्स लगाइए, आप कभी ज़रूरत पड़े तो आप अमीर लोगों से पैसे ले सकते हैं। तो वो टैक्स का नाम तब से दिया गया। लेकिन आज की हालत हम देखते हैं तो जो मध्यम वर्गीय और जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर इस टैक्स की मार ज़्यादा पड़ रही है, और अमीर लोगों ने तो इसका जो कॉरपोरेशन के थ्रू इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यही अंतर है, जो अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। जिनने स्टार्ट करा था टैक्स, आज उन्हीं पर मार पड़ रही है। वो क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है उसके कानून का। आपको एक बहुत बड़ा जो पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जिसका कॉरपोरेशन, एक कानून, आप कोई भी योजना ला रहे हो, आप कुछ भी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप कोई भी मतलब आपकी लाइफ में कुछ काम करना चाह रहे हो, तो आप होता है ना कि आप एक लेआउट तैयार करते हो, आप एक रूपरेखा बनाते हो कि मैं ऐसा काम करूंगा, मैं ये प्रोडक्ट लाऊंगा, मार्केट में इसकी डिमांड है कि नहीं है, और सरकार इस पे क्या डिस्काउंट दे रही है या क्या इसके रूल्स हैं, इसके लाने के लिए क्या लाइसेंस लगते हैं। आप मतलब एक रूल्स तो पता होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा रूल्स है कि आपको टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, और टैक्स आप कम से कम कहाँ दे सकते हो तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए। कि जो इसी का तो फायदा उठाकर अमीर लोग उनका जो संपत्ति वाला कॉलम होता है उसको वो भरते जाते हैं, और हमारा जो संपत्ति वाला कॉलम होता है गरीब लोगों का वो खाली रह जाता है। ये बहुत बड़ा मतलब टैक्स के इतिहास के बारे में यदि हम जाने तो हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन में 1799 से 1816 के जो बीच में नेपोलियन के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने अपने नागरिकों पर टैक्स लगाया था, मतलब उनसे पैसे लिए थे युद्ध के टाइम पर,
और अमेरिका में 1861 से 1865 में जब गृह युद्ध हुआ था, तब उन्होंने अपने नागरिकों से जो पैसे की जो मदद थी, आर्थिक मदद, वो उन्होंने ली थी, तो उसका उन्होंने टैक्स के रूप में नाम रख दिया। और उसके बाद क्या हुआ, सरकार के पास चस्का लग गया सरकार को कि एक अच्छा अमाउंट हम जो सिटीजन्स होते हैं, अमीर हो गए, मध्यम वर्गीय हो गए, का अमाउंट में बांट दिया, और अच्छा एक अमाउंट आपके पास आ सकता है जो आपको इमरजेंसी में काम आ सकता है, कभी भी इमरजेंसी में आप मदद करने में, कोई भी योजना है चालू करने में करने के लिए उसमें ये हेल्प कर सकते हैं। तो टैक्स की शुरुआत वहाँ से होती है, जिसका आज मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोग उसको ही झेल रहे हैं, और कॉरपोरेशन की जो शक्ति है उसको यूज़ कर कर अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। और आप एक सिंपल कॉरपोरेशन की जो शक्ति होती है, आप उसको समझने के लिए एक दो लोगों के एग्जाम्पल समझ सकते हो। एक होते हैं जो बिजनेस मालिक जो होते हैं अमीर लोग, वो क्या करते हैं, उनके पास जो पैसा आया उसके बाद जो भी उनको खर्च करना रहता है, जो भी उनको लगाने रहते हैं, मतलब इन्वेस्ट करना रहता है, तो इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जो बचता है तो वो टैक्स देते हैं, जो बचता है उसको टैक्स देते हैं। और जो गरीब तबके के लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, उनके पास क्या हुआ, इनकम आई, इनकम के बाद जो टैक्स रहता है उनको पहले टैक्स भर देंगे, कितना टैक्स आ रहा है इसका, उसका टैक्स भर देंगे, फिर जो बचता है, जो बच रहा है टैक्स देने के बाद, उसको इन्वेस्ट करते, इन्वेस्ट क्या करेंगे वो, तो उनके जो डेली रूटीन का, जो उनकी लाइफ स्टाइल का जो खर्च है उसी में वो खर्च हो जाता है। इसलिए गरीब गरीब रह जाता है और अमीर हो जाता है। तो आपको इस कॉरपोरेशन का नॉलेज होना चाहिए, कोई भी काम कर रहे हो आपको उसके हर पहलू के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये चार लेसन, फोर्थ लेसन हम ख़त्म करते हैं आज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा। दोस्तों आप सभी को आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, यदि यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे उन सभी को एक नॉलेज हो सकता है। आज हमने लगभग आधी बुक कंप्लीट कर दी है, लगभग 3-4 चैप्टर और बचे हैं जो हम 3-4 दिन में 8 दिन में इनको ख़त्म कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।